Hi friends, this is Dr. Kru Pasavada and our today's topic of discussion is obscure autopsy. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing, and if you want more video links, you can visit the description box. Let us see introduction first. In about 20% of all postmortem examination cases, the cause of death may not be apparent at the time of dissection of the बॉडी. सो कभी कभी क्या होता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन केसेस यानी कि अबाउट 20% ऑफ ऑल 20% केसेस में एट द टाइम ऑफ डिसेक्शन ऑफ बॉडी जो मृत्यु का कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सकता है एंड देर आर मिनिमल और इनडिटर्मिनेट फाइंडिंग्स और इवन नो पॉजिटिव फाइंडिंग्स एट ऑल. सो कभी कभी क्या है कि न्यूनतम फाइंडिंग्स मिलते हैं या तो फिर अनिश्चित निष्कर्ष वाले फाइंडिंग्स मिलते हैं या तो कभी कभी कोई भी सकारात्मक फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे मिलता नहीं है. दिस आर अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन फॉर एनी फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. सो ये जो है हर एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के लिए कंफ्यूजन जनरेट करता है. इन द कंटिन्यूएशन, इन मेनी ऑफ दिस केसेस द कॉज ऑफ डेथ कैन बी मेड आउट आफ्टर डिटेल्ड क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. सो यहाँ पे ये अगर कॉज ऑफ डेथ जानना है तो डिटेल्ड क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने होंगे या तो फिर देखने होंगे एंड इंटरव्यूज विद पर्संस हु हैड ऑब्जर्व्ड द डिसीज्ड बिफोर ही डाइड. और या तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहिए जो कि मरने से पहले वो व्यक्ति के साथ रहा हो, जो कि मरा हुआ है उसके साथ रहा हो या तो फिर उनको ऑब्जर्व किया हो. कॉजेज ऑफ ऑब्स्क्योर ऑटोप्सी, द फर्स्ट वन इज नेचुरल डिजीजेस दैट इज एपिलेप्सी एंड पैरोक्सिमल फिब्रिलेशन. सो यहाँ पे नेचुरल डिजीज है वो एक फर्स्ट कॉज है ऑब्सक्योर ऑटोप्सी का. ऑब्सक्योर को हम अनक्लियर भी बोल सकते हैं या तो फिर पैरोक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन. द नेक्स्ट इज कंसील्ड ट्रोमा, इन दैट कंकशन. कंकशन यानी कि टेम्पररीली जो अनकॉन्सियसनेस होता है बाय ब्लंट ट्रोमा उसको कंकशन बोलते हैं. ब्लंट इंजरी टू द हार्ट एंड रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन. थर्ड वन इज पॉइजनिंग दैट इज एनेस्थेसिया या तो फिर एनेस्थेटिक ओवरडोज, नार्कोटिक, न्यूरोटिक, न्यूरोटॉक्सिक, साइकोटॉक्सिक एंड प्लांट पॉइजनिंग. बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस लाइक यूरेमिया और डायबिटीज. एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस लाइक एड्रिनल इनसफिशियंसी और थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स इंक्रीजिंग थायरॉयड हॉर्मोन एंड मिसेलेनियस इन एलर्जी एंड ड्रग इडियोसिक्रेसी. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्क्योर ऑटोप्सी और अनक्लियर ऑटोप्सी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. थैंक यू.